सार्को को पकड़ लेगी ना ये। आप पकड़, जकड़ ले जकड़ ले। नाइस नाइस नाइस। रुक जा रुक जा रुक जा। बावड़ी पूछ मेरे पास ब्लैक पल कहाँ पे। अबे मेरे पास ब्लैक पल कहाँ पे। शीट गया, सार्को गया मेरा। बावड़ा भाई मैं ब्लैक पल लेके ही नहीं आया। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम खेल रहे हैं आज आर्क रैग्नारॉक वाला मैप। यस गाइस, ये मैप अपने मैं बोलूँगा ये मैप जो है मैं अराउंड 3 या 4 महीने बाद खेल रहा हूँ ये मैप। और इस बेस पे मैं 3-4 महीने बाद आया हूँ। एक्चुअली में देख रहे हो हमारा ये छोटू सा मोटू सा बेस, देख रहे हो ये बेस भाई काफ़ी ज़्यादा ही पुराना बेस है हमारा। और यहाँ पे जो है हमने काफ़ी ज़्यादा नीचे देख सकते हो गीगा भी टेम किया था, ग्रिफिन, ब्रोंटो। और ये नीचे देख रहे हो भाई हर एक तरीके का डायनोज हमने यहाँ पे टेम करके रखा हुआ था। और यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा बेस भी है इस मैप में। ये अगर मैप की आपको वीडियोज़ देखने, काफ़ी पुरानी सीरीज है ये, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में से आप इस मैप की वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे ये मेरा बेस है और मेरे दोस्त जो मेरे साथ खेलते थे उनका बेस वो नदी क्रॉस करके उस तरफ है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये भी हमने टेम किया था रेडवुड में जब हम थाइलो टेम करने गए थे। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम क्या करने वाले, आज की इस वीडियो में मैंने इस मैप में अभी तक वाटर डाइनो कोई भी टेम नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है। ये नीचे कैसे जाता है अबे तू नीचे कैसे आएगा, हैं अबे नीचे कैसे आएगा, पहले नीचे नीचे बैठा मेरे को। ओए शिट, अबे ओ भाई निंजा टेक्निक, ये देख रहे हो गाइस इसे कहते हैं भाई निंजा टेक्निक। कस करके मैंने ये दबाया, मैं डायरेक्टली गोलेम के ऊपर बैठ गया। नाइस, इसमें हमने रॉक एलिमेंटल भी टेम किया था, बहुत सारी चीज़ें टेम की थी। ये वाइब्रन ब्यूरन भी भाई बहुत सारे वाइब्रंस टेम किए थे इसमें। तो आज की इस वीडियो में हम वाटर डायनो टेम करने वाले हैं। और ये हमारी लिफ्ट है, आपको एक बेस बार दिखा देता हूँ। ये मेरी लिफ्ट बनाई थी क्योंकि हम उन्हें ऊपर जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। स्टेयर से हम जल्दी पहुंच सकते थे लेकिन स्टेयर तो भाई क्या ही करे भाई, वजन बिजन कम हो जाएगा भाई, इतना कौन भाई चढ़ेगा लंबे लंबे स्टेयर। इसलिए हमने भाई यहाँ पे लिफ्ट बनाई है। इस लिफ्ट से आप डायरेक्टली ऊपर जा सकते हो इस हमारे घर में। मैं आपको एकदम टॉप वाला फ्लोर दिखा देता हूँ। उनको यहाँ पे मैंने 2 फ्लोर बनाए थे। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर था, वहाँ पे ग्रीन हाउस बनाया हुआ था। एंड यहाँ पे बेसिक जो छोटे छोटे जो फ्लायर थे मेरे, जैसे कि अर्जेंटेविस या फिर और कोई जो मेरे को उड़ के हम लेके जा सकते हैं उनको मैं रखता था। यहाँ पे एक वाइवरन रखा हुआ है। और इस मैप में हमने बॉस फाइट भी ली हुई है। और ये हमारा छोटा सा घर है, ये भी दिखा देता हूँ। एंड एकदम टॉप पे हमने रखे हुए थे हमारे सारे वाइब्रंट्स, लाइटनिंग, पॉइजन, आइस वाइब्रन भी हमने टेम किया था, ठीक है। उसके बाद फायर वाला भी था मेरे साथ, शायद मेरे पास फायर वाला भी एक है। यस, फायर वाले भी वाइब्रेंट है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है भाई जल्दी पहुँच। ओके ये रही, ये देखिए यस, एक फायर वाला अपने पास है, पॉइजन है अपने पास, उसके बाद आइस वाला भी है, ये देख रहे हो ओपी आइस वाला वाइब्रेंट। एंड उसके बाद लाइटनिंग है अपने पास, इसको अपने बोन वाली स्किन पहनाई हुई है। तो बहुत सारे वाइब्रेंट्स है। तो ये अपना बेस है, ज़्यादा कुछ उतना खास नहीं है लेकिन काफ़ी मेहनत करके बनाए, देख सकते हो भाई इतना बेस बनाने में बड़ा भाई। और वो भी पहाड़ के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि कितनी भाई मेहनत लगी होगी भाई साहब। ये देख रहे हो ये भाई पूरे तरफ से, चारों तरफ से हमने इसको वॉल से घेर दिया था इस बेस को, ठीक है। अभी यहाँ से उतर जाता हूँ। एंड ये हमने जो फर्स्ट बॉस फाइट ली थी इसमें उसका सारा ये ट्रॉफीज लगा के रखे। और ये मेरा घर है, ये हमारा छोटा सा घर है जहाँ पे हमने ये देख रहे हो देता आइस देथवाम को मारा था, हमने मैंटिकोर को मारा इसमें, उसके बाद हमने वाइब्रंस बॉस को मारा हुआ है, देख रहे हो ये सारी ट्रॉफीज लगी हुई है। ये हमारा इसमें शायद ब्लूप्रिंट्स हो गए आई थिंक, नहीं इसमें सारे आर्टिफैक्ट भर के रखे हुए हैं। और ये एलिमेंट बॉस मारने के बाद जो मिले थे वो सारे हैं यहाँ पे। एंड ये वॉल ड्रम, ये वॉल डीजे ब्रावो, लेट्स गो। चलो तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने बता दिया हम क्या करने वाले, तो कच करके अपन जाए गाइज निकल लेते वो चीज़ करने के लिए। और यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि आपको अगर नीचे जाना होगा या तो आप वो स्लो लिफ्ट यूज कर सकते हो या फिर यहाँ से डायरेक्टली सुसाइड करके नीचे जंप कर सकते हो। रुक जाओ, क्या मेरी जंप गीगा के ऊपर बैठेगी? ई दबा। ओ यस, निंजा टेक्निक गाइस, निंजा टेक्निक, फॉल डैमेज होगा ही नहीं, डायरेक्टली हवा में ई दबाओ, आपका काम 25। तो हमको जो है वाटर डायनो टेम करने के लिए, कोई भी वाटर डायनो टेम करने के लिए मेरे को एक चाहिए होगा प्राइमिट, प्राइमिट मैंने ले लिया है। उसके बाद मेरे को चाहिए होगा पानी में, तो हम गन नहीं चला सकते तो मैंने एक बो ले ली है। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे सार्कोज है बहुत सारे, उसमें से कोई एक सार्को अपन लेने वाले, इलेक्ट्रो को लेके जाता हूँ मैं। चलो इलेक्ट्रो, काफ़ी दिन बाद मिला रहे, कैसे रहे बच्चे, बीवी बच्चे कैसे इधर है, सब ठीक है ना घर पे? अच्छा सही है। चलो तो यहाँ पे ओके, रुको पहले ऑसम स्पाई ग्लास ऑन करने दो। ओ व्हाट द, वाह ये देख रहे हो
यूरोप टू राइड, इतने सारे यूरोप टू राइड भाई। अच्छा मेरा पहले हम बेसिक 1x सेटिंग पे खेलते थे सर्वर, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट मैंने इसको 5x कर दिया है, जो कि मेरे सारे मैप में वो ये सेटिंग चेंज ही नहीं की। तो यहाँ पे इतने यूरोप टू राइड है ना भाई, भाई साहब क्या ही बोल भाई, इतने सारे रेप्टोराइड यार, मजाक करो यार पांडे जी तुम भी ना यार। ये देख रहे हो ये सारे अपने जय का, ये अपने जय का बेस है, उसके बाद वो उधर देख रहे हो वो रोनी का बेस है। तो अपन निकल लेते, रुको पानी के अंदर से जाता हूँ भाई। बहुत ही ज़्यादा भाई रेप्टोराइड नहीं भरे पड़े थे वहाँ पे भाई साहब, क्या ही बोले। अभी शार्क में शार्क टेम नहीं करना चाहता, शार्क बाद में टेम करेंगे, ठीक है। शार्क का कोई फिलहाल सीन नहीं है। ये हमारी मेटल बोट गाइस, देख रहे हो मेटल बोट खतरनाक वाली। इसको मेरे को बैटलशिप में कन्वर्ट करना था, लेकिन करा नहीं मैंने। इसको टीम कर सकता हूँ एक्चुअली मैं बैसिलोसॉरस को, लेकिन मैं बैसिलोसॉरस को टीम नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा हूँ एक कछुआ टाइप एक डायनो होता है इसे, मतलब बड़ा सा कछुआ जिसकी गर्दन काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, उस कछुए को मेरे को टेम करना है एक्चुअली में। एक मिनट रुक जा अरे बावड़े, एक मिनट रुक जा, पानी में जा रहा है ये क्या बैसिलोसॉरस नहीं है जो तेरे को ऑक्सीजन अल्टीमेटर देते रहेगा, समझ रहा है भाई। पहले सूट पहन ले, रुक जाओ मैं ऑक्सीजन टैंक मेरे पास पड़े हुए होंगे क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा बना के रखे हुए थे दूसरे रहा। और ग्लासेस नहीं है क्या मेरे पास, एक मिनट, इसमें ग्लासेस ये रहे, इसमें ग्लासेस है, ये ले ले, ठीक है चलो अभी पानी के नीचे आराम से जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो। तो यहाँ पे वो अगर वो बड़ा कछुआ मिल जाता है तो उसको कर लूँगा टेम, या फिर हमारा ये क्या है इसका नाम, कौन है, बैसिलोसॉरस थे ये यहाँ पे, बैसिलोसॉरस थे ये यहाँ पे, वो बड़ा कछुआ चाहिए मेरे को, मैंने उसको कभी टेम ही नहीं किया। वो भाई स्क्विड को कैसे, अच्छा स्क्विड के लिए अपन को एक ब्लैक परी लगेगा, लेकिन उसके लिए उसको एक किसी की बलि देनी पड़ेगी, वो किसी को इसे जकड़ लेगी और उसको मारना शुरू कर देगी। अच्छा मैं इसको एक्चुअली में कर सकता हूँ क्या टेम, अगर कर पाया तो अच्छी रहेगा। सार्कों की तो बोलो बलि नहीं चढ़ेगी आई थिंक, रुक जा सार्कों को पकड़ ले, मेरे सार्कों को पकड़ लेगी ना ये, हाँ पकड़ जकड़ ले जकड़ ले, नाइस नाइस नाइस, रुक जा रुक जा रुक जा। बावड़ी पूछ मेरे पास ब्लैक पल कहाँ पे, अबे मेरे पास ब्लैक पल कहाँ पे, शीट गया सार्को गया मेरा बावड़ा भाई, मैं ब्लैक पल लेके ही नहीं आया। एक इसमें होगी इसमें होगी इसमें होंगे शायद, कमॉन कमॉन सार्को सार्को भाई, तू तो भाग गया साले, अबे मेरे को तो भाई मेरे को बचा ले। लोड़े लग गए लोड़े लग गए भाई, शीट यार मेरे पास ब्लैक पल थे लेकिन मैं लेके ही नहीं आया। मैं टूसो को अभी टेम करूंगा, मेरे को पता नहीं मैं टूसो को टेम करेगा, निकाल भाई टूसो गई अभी, अभी इसने मारा कैसे मेरे को, अबे तेरे को टेम करने आ रहा था मैं, वो दैल ये ब्लैक पल दे, ब्लैक पल दे मेरे पास होंगे ब्लैक पल, ब्लैक पल्स काफी होते हैं भाई, वो यहाँ पे नहीं है उस बेस पे होंगे उनको भाई, मेरे पास ब्लैक पल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा रेप्टोराइड को मार मार के ब्लैक पल लिए थे। रुक जाओ अभी खींच ब्लैक पल्स भाई, मेरे पास ब्लैक पल एक भी नहीं है, वो दैल एक मिनट रुक जाओ, अब भाई अपन हार्वेस्ट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ हार्वेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा हमारे पास, वैसे बहुत भर भर के सार्को है। बसंती अपने पास, बसंती को लेके, अच्छा बसंती रहने दो, बसंती का तो भाई क्या क्या ही बोले, अलग ही नशे होते हैं। ये उठाने दो, ये उठाने दो, काम आ जाएंगे, उठाने दो उठाने दो, किबल बनाने के काम आएंगे। अभी कौन सा है हाई लेवल का, 136 वाली कौन है, ये नॉर्मल सार्को ही है, इसको नाम नहीं दिया शायद अपने हमने अभी तक। एक काम कर लेता हूँ मेरे को यूरोप्टोराइड को मार के, ठीक है मेरे को यूरोप्टोराइड को मारना पड़ेगा, एंड उससे मैं एक मिनट जमीन वाले यूरोप्टोराइड को मारता हूँ, मैं नहीं चाहता पानी में जाओ एंड मेरा कच्चो कच्चो हो जाए। ये रहा यूरोप्टोराइड, पानी वाले बहुत गंदा मारेंगे, नाइस ओके। यहाँ पे 8 ब्लैक पल मिल चुके हैं, मेरा एक से काम बन जाएगा, चला जा चलो वापस से वही चला जाता हूँ। एंड आप वॉट दोल अल्फा कार्नो ओके, वो वहाँ पे मारने में बिजी है, ठीक है उसको भी पेलम पाल देना पड़ेगा, रुको फिलहाल नहीं, वो वहाँ पे मारने में बिजी है, वहाँ पे उसको बिजी रहने दो। अपन निकल जाते हैं अपनी पेटी के पास, मेरे पेटी का सिंबल भी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत गंदा मरा यार वैसे, वो टेम हो जाता लेकिन मेरे पास ब्लैक पल ही नहीं थे, मेरे को देखने चाहिए थे भाई उसको टेम ये करने से पहले, मेरे पास है या नहीं है ब्लैक पल्स। इसमें ऑक्सीजन टैंक है क्या, वैसे हर एक सार को मैं हमारे ऑक्सीजन टैंक भर के रखे हुए थे हमने, क्योंकि हमको जो है आर्टिफैक्ट लेने के लिए जाना था अंडर वाटर बॉस फाइट के लिए, तो इसके लिए हमने भर के रखे थे उनमें, शायद अभी पता नहीं दिखाई नहीं दे रहे। कमान कहाँ पे था वो, उरी मेरी पेटी, नाइस लेट्स गो। सार को पैसे हो के पीछे आ जा, वो सार को की बलि ना चढ़ जाए बस। अबे साले यार
यार रुक जा रुक जाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन टैंक नहीं। ओ यार नहीं यार, टूसो टूसो गया। इसी टूसो को मैं टेम करूंगा, मेरे को पता नहीं, मैं इसी टूसो को टेम करूंगा, अभी मैं इसी टूसो को टेम करके ही रहूंगा। चल आ जा, अच्छा मेरे को एक बार ऑक्सीजन टैंक मिलने दो, मेरा ऑक्सीजन टैंक मिलने दो भाई, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, जल्दी से नीचे पहुंच जा मेरे भाई। ये टूसो की बेस के आँख, रुक रुक जाओ रुक जाओ, मेरी पेटी कहाँ पे, मेरी पेटी हो रही। सारकू की तो यहाँ पे खटिया खड़ी हो चुकी है, इसे उठा ले, एक काम कर यहाँ पे आ जा, इस पर राइड कर। टूसो ये वापस से पीछे ले गया, मेरे को बताइए। ओके ठीक है, आए दबा, पहले ऑक्सीजन टैंक पहन ले। नाइस एक्सीलेंट वर्क, आ जा। ओके लेट्स गो, ऑसम स्पाई ग्लास ऑन। नाइस आजा, अभी पकड़ इसको, अभी इसको पकड़। नाइस नाइस, ये ले। ओ यस साला, हमसे पंगा लेती है, हमसे पंगा लेती है, कर लिया ना टेम भाई। क्या क्या आड़ में आ रही थी भाई, हमारे एक सार्को को खा गई रे यार। कोई नहीं, चलो अपने पास अभी तीचा। ओ मूसासोर, व्हाट द हेल, मूसासोर यहाँ पे भाई साहब। पैसे हो जा, पैसे हो जा लोंडे, पैसे हो जा, पहले पैसे हो, पहले पैसे हो, पहले पैसे हो जा, रुक जा, सामान उठाने दे सार्को का, पहले सार्को के पीडी में का सामान उठाने दे भाई साहब। ये मूसासोर को अगले एपिसोड में अपन टेम करूँ या ना करें भाई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इसको टेम करूँ या ना करूँ भाई साहब। मूसासोर कितने लेवल का था लेकिन वो देख नहीं पाया मैं। अच्छा वो नीचे चला गया, नीचे चला गया, कोई ना, चल आ जा, अच्छा अच्छा, फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी, कमॉन आ जा। इसकी स्पीड कितनी है भाई, स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई दे रही है मेरे को। ओके देखते चलो, इसको रखने के लिए अभी एक बेस बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ पे तो नहीं, रोप्टोराइड है वहाँ पे तो इसको नहीं रख सकता, इसका टॉर्पर होता है क्या कुछ, इसको टॉर्पर ही नहीं होता है। ये अच्छी बात है फिर, अगर इसको टॉर्पर ही नहीं चढ़ता फिर क्या ही दिक्कत है, फिर क्या ही बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आ जा फॉलो मी, इसको यहाँ पे रखूँगा मैं, ये जगह इसके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। नाइस, रे यहीं पर मैं आ रहा हूँ, ये निकाल। अच्छा ये मेरे को पहनना पड़ेगा क्या उसके ऊपर भी, अगर मैं बैठूँगा तो आई थिंक मेरे को पहनना पड़ेगा। लाल के लिए आर्मर पहन लूँ एंड जाके उसका सैडल बना लेता हूँ कच करके, रुको। अच्छा उसका टूसो का सैडल किस में बनेगा, एक बार चेक कर ले दो। टूसो, ओके टूसो का सैडल बनेगा आई थिंक, अच्छा यहाँ पे कैन बी क्राफ्टेड एट स्मृति। ओके रुको, स्मृति तो अपना यहीं पर भी होगा, यहाँ पे भी एक स्मृति था, इसमें बना लेता हूँ फटाफट एंड टूसो को राइड करके भाई, इसके भाई खतरनाक वाली जलवे देखेंगे अपन। रुक जाओ, ये देख रहे हो कंपोजिट बिन भाई, पहले हमको पता नहीं था भाई, फिर 5-6 महीने पहले कि भाई ये फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं, कंपोजिट बिन बना के रखे थे भाई 15-20 वहाँ पे। टूसोसोरस लेट्स गो, वन सैडल क्या चाहिए, मेटल इनगट चाहिए, मेटल नहीं है यहाँ पे, व्हाट द हेल यार, मेटल नहीं तुम्हारे में, अच्छा नहीं है, इसमें भी मेटल नहीं है। ओके रुक जाओ, मेटल इनगट मेरे वो सेकंड फर्स्ट वाले बेस पे है क्या भाई, सारा का सारा सामान भाई गायब है। रुक जाओ यहाँ से, यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे मेटल इनगट होगा आई थिंक, मैंने ऊपर रखा होगा, रुक जाओ खींच पाऊँ बस मैं, यहाँ से खींच पाऊँगा क्या ऊपर के बॉक्स में का, मेटल मेटल इनगट भाई कुछ भी नहीं है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ए थाइलो इधर आ, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, आ जा रुक, मेरे पास मेटल कैसे नहीं है, इम्पॉसिबल है ये तो। आजा भाई चल 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 चल, अच्छा मेरे पास अच्छी भाई वो लिफ्ट से, अच्छा मैं थाइलो को लेकर चढ़ जाऊँगा, ये लो देख रहे हो वो लिफ्ट से, अच्छा यही है, सच करके ऊपर चढ़ जाओ एंड मेटल, ये रे बॉक्सेस अपने, मेटल इनगेट नहीं है क्या भाई तुम में, ऐसे कैसे भाई मेटल इनगेट नहीं है, रुको मेटल इनगेट भाई एक भी मेटल इनगेट नहीं है, व्हाट द हेल, मेरे को मेटल हार्वेस्ट करके लाना पड़ेगा कस करके, रुक जाओ कितने चाहिए, 30 मेटल इनगेट ना, मेटल इनगेट बन तो आराम से जाएंगे, रुको हार्वेस्ट करके लेके आता हूँ थाइलो से, कस करके उसका सैडल बनाते हैं और गाइस भाई राइड कर लेंगे अपन टूसो को। चल भाई तक्का बदला लेगा रहा तेरा भाई, जल रुक, यहाँ पे मेटल होना चाहिए, यहाँ पे मेटल हमेशा होता है, यहाँ पे नहीं वरना नहीं होगा तो उसे गुफा में तो होगा, रुक जाओ यहाँ पे, ये रहा मेटल, ये रहा मेटल, कम ऑन माय फ्रेंड, ये ले 30 चाहिए था ना ओनली, ओके ये ले भर भर के मेटल है, भर भर के मेटल ले ले, चलो इतना काफ़ी रहेगा, और एक बार चेक कर लो वापस से आना ना पड़े। 200 के सैडल के लिए कितना मेटल चाहिए, 30 मेटल चाहिए, ओके आराम से बन जाएगा, चलो आ जाओ ले ले भाई, ये भाई अपना ताइलो को लियो ओपी भाई, चलो लेट्स गो भाई लेट्स गो। और गाइस नीचे कमेंट करके मेरे को बताना कि रैग्नर रॉक का कौन सा ऐसा डायनो जो मैं अगले एपिसोड में टेम करूँ, ये मूसा टेम करूँ ठीक है, या फिर कोई ग्राउंड वाला डायनो टेम करूँ, आप जो नाम लिखोगे वो अपन कर लेंगे टेम ठीक है।
रॉक एलिमेंटल, गीगा बीगा, रेक्स बिक्स, ये तो हमने सारे टेम कर लिए है, ठीक है। रेक्स मैंने क्रायो कोड करके रख दिए क्योंकि हम बॉस फाइट कर लेने के लिए गए थे ना, वहाँ से अपन क्रायो करके उनको लेके आए थे, तो वहीं पे क्रायो करके मैंने रख दिए। यार यहाँ पे ये भी नहीं है ना, आई थिंक ये स्प्लिट अप करके इसमें डाल दूँ मैं। मेरे को थोड़ा सा वुड चाहिए होगा, वुड मैंने आई थिंक वहाँ से उठाया था थोड़ा सा, अभी मेरे पास दिखाई नहीं दे रहा। जो वुड चाहिए होगा, ब्रॉन्टो में तो होगा बहुत सारा वुड। ये सारी चीज़ें गायब है यार यहाँ से। हाँ ब्रॉन्टो में बहुत सारा वुड है, चलो लेट्स गो। चलो तो गाइस यहाँ पे मेटल बनने दो, मेटल बनते हैं भाई अपन पट से भाई, अपना उस सैडल जो है वो बना लेंगे एंड फिर अपना काम 25 लेट्स गो। 30 मेटल चाहिए तो बनने दो आराम से। 2 hours later तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मेटल जो है वो यहाँ पे बन चुका है, तो फटाक से गाइज अपन जो है 200 का सैडल यहाँ पे बना देते रुको। 200 ये रहा 200 एंड इसका सैडल यहाँ पे रेडी गाइज। चलो तो अभी मजा आएगा ना बिड़ू, सिर्फ ऑक्सीजन का देखना पड़ेगा मेरे को, शायद ऑक्सीजन टैंक वहाँ पे पहन के रहना पड़ेगा इसे लग रहा है। वैसे मेरे पास पड़े हुए बहुत सारे ऑक्सीजन टैंक्स, फिर भी कोई ना, चलो देख लेते हैं। ये आ जा रही सेबरतूथ, वहाँ तक अपन को लिफ्ट दे दे। ये बॉयज ये देख रहे हो, ये हमारा फेवरेट क्लिप है, यहाँ पे से चढ़ो एंड यहाँ से ऊपर से जंप करने का। चलो आ जाओ, यहाँ पे भी मैंने कुछ तो बनाया था। हाँ ये देखो आधा अधूरा काम है यहाँ पे। ये लो भाई, ये भाई काज करके इस गैलरी में, नाइस आ जाओ लेट्स गो। ये रहा अपना 200 वो आके 142 लेवल का एंड इसको भाई काफ़ी अच्छी आ चुके है। ये क्या है, ये कौन सा ऑयल दे रहा है, ये खाता क्या है वैसे भाई? ये स्पॉयल मीट नहीं खाएगा, मीट खाएगा क्या? आई थिंक यस मीट खाता है ये ओके, मीट खाता है, फिश मीट मीट खाता है आई थिंक। एंड ये ऑयल दे रहा है कोई, तो पता नहीं ये कौन सा ऑयल है। इसका डैमेज बढ़ा लेता हूँ एक बार एंड ये ले भाई सैडल ले ले, का भाई सैडल दे रहा। ये बॉय माई 200, ओ भाई बाय 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 भाई, खतरनाक बॉयज। ओ भाई अच्छा एक मिनट, ऑक्सीजन टैंक पहनना पड़ेगा मेरे को, ऑक्सीजन टैंक पहनना है और ये ग्लासेस पहने ताकि क्लियर दिखाई दे। ओके पहले सबसे पहले इसका लुक देख लो। अरे भाई साहब, ओए अटैक कौन सा है, ग्रैब अटैक है एक, ओके ऑलराइट ये ग्रैब अटैक है, सेकंड वाला अटैक है, ओके ये भी ग्रैब अटैक है एक्चुअली में, ये भी ग्रैब अटैक है, 100 डैमेज दे रहा है भाई, पेल दिया भाई। ये भी ग्रैब अटैक है, ये ग्रैब अटैक कौन सा है, ये आजू बाजू के डायनोस को ग्रैब कर लेता है। ओके लाइक अगर ये यहाँ पे है इसे तो ओके ये सामने की तरफ से इसे ग्रैब कर लेगा उसको एंड पेलम पाल डायरेक्टली, खतरनाक ये अच्छा है। और सी से आई थिंक इंक छोड़ता है ना, ये सी से इंक छोड़ने वाला एक अटैक है इसका भाई, कौन सा है इंक छोड़ने वाला, कौन सा अटैक है इसका? ओ ये सी से इंक छोड़ता है, ये ब्लाइंड कर देता है, सबको ब्लाइंड कर देता है। रुको शार्क को पकड़ के मारेगा, रुक जाओ राइट क्लिक मतलब पीछे मुड़ के डायरेक्टली शार्कों को पकड़ लेने का, पकड़ ले जकड़ ले शार्क। ओ भाई शार्क को पकड़ लिया भाई, ये देख लो पंजों भी पकड़ के भाई, पेलम पाल भी दे दे, इसको भी पकड़ रुक जा, ये लो भाई इस शार्क को भी पकड़ लिया, ये देख रहे हो भाई, ये लो भाई साहब शार्क की पीटी भाई साहब क्या ही पकड़ के मार रहा है, 100 डैमेज दे रहा है लेकिन खतरनाक मार रहा है भाई ये 200 नाइस। ओ 42 लेवल पा चुके हैं भाई साहब, इसके डैमेज फुल डैमेज, थोड़ा सा मूवमेंट स्पीड फुल डैमेज में, स्टैमिना पता नहीं कितना टिकेगा। हेल्थ डालने तो हेल्थ तो 27,000 है, मतलब काफ़ी अच्छी हेल्थ है इसकी। ये लो एक और शार्क आ गई, ये ले तेरी मौत आई, ये शार्क ये ले, अभी कितना डैमेज दे रहा है, 100 ही डैमेज दे रहा है ये भाई, तो इससे ये पकड़ने वाले अटैक से 100 ही डैमेज दे रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा पता नहीं क्यों, हाँ डोंट नो व्हाई बट ये 100 ही डैमेज दे रहा है भाई। शायद ये दूसरा अटैक है उससे ज़्यादा डैमेज देता होगा राइट क्लिक वाले, ये वाला अटैक से आई थिंक ये दूसरा ज़्यादा डैमेज देता है, एक बार मैं चेक कर लूँ ये वाला अटैक भी। ये 200 तो ओपी निकला भाई, 200 तो ओपी निकला ये, रुक जाओ इसको मार देता हूँ। आ जा रहा मर बातची शार्क आ जा। ओ ये तो पॉइजन अटैक फेंक दिया उसने, ब्लाइंड अटैक, ओके ये अटैक कितना है मेरे को खुद नहीं दिखाई दे रहा। उसको पकड़ ले, जकड़ ले इसको, इस शार्क को पहले जकड़ ले। ये अटैक करना, ये भाई लैग हो रहा है। ओ 400, ओके ये अटैक ज़्यादा है, ठीक है ये अटैक ज़्यादा दे देता है, जो राइट क्लिक वाला अटैक है वो 400 का दे रही है वो अभी, बढ़िया नाइस। एक और बार आपको दिखा देता हूँ, रुको ये देखो लाइक ये देख रहे हो 400 और पेटी यहाँ पे शार्क की, खतरनाक पेटी यहाँ पे, नाइस। एक और बार ये लो भाई सब क्या ही पेलम पाल दे रहा है। ये 200 तो काफ़ी ओपी है इसका, सिर्फ मेरे को थोड़ा सा मूवमेंट स्पीड अगर बढ़ाऊँ ना
तो ये पानी में काफी खतरनाक हो सकता है डायनो। ये देख रहे हो लाइक थोड़ा सा कैमरा, ओ ये लो ऐसे एंगल एडजस्ट कर लो और भाई खतरनाक मार रहा है ये। कतई जहर टूसो मिल चुका है गाइस, और ये टूसो जो हमने आज टेम किया है ये है भाई फीमेल। तो गाइज नीचे कमेंट सेक्शन में फीमेल टूसो के लिए फीमेल वाले नाम से जरूर कीजिएगा, और गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग भी थाने के चैनल की, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा उसके चैनल को भी। और गाइज एक काम कर लेते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही गाइज, अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और गाइज अगले एपिसोड में मैं क्या टाइम करूँ ये भी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.